चलिए आज हम बताएंगे कि जो विंडो एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए सबसे पहले तो इसके अंदर के कैबिनेट को हमने इसके ऊपर से जो बाहर बाहर कैबिनेट है इसकी बॉडी है उसको हटा लिया, सामने के ग्रिल को हटा लिया। अब दो चीजों हटाने के बाद अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसके जो भी होते हैं वो सब इसमें होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिस्टम का मतलब समझ रहे ना, यानी विंडो एसी के जिन जिन भागों में इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है उसे विंडो एसी का इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले भाग देखिए कई सारे होते हैं। तो सबसे पहले अगर मुख्य रूप से बात करें तो देखिए यहां पर एक स्क्रू लगा था, इसको ओपन कर दिया, एक स्क्रू इधर लगा है ऊपर और इसका हम पीसीबी को ओपन कर रहे हैं। पीसीबी ये जो रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है ना इसको हम बोलते हैं पीसीबी। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, यानी प्रिंट किए हुए सर्किट वाला बोर्ड, मतलब छपा हुआ बोर्ड। स्क्रू को हमने साइड में रख दिया और इसके अलावा देखते हैं इसके अंदर एक स्क्रू और लगा हुआ है और ये देखिए दो सेंसर वायर है जिसमें एक कॉइल सेंसर है जो कि ऑपरेटर में टच है और एक रूम सेंसर है जो कि यहां ऑपरेटर के सामने होता है जो कि रूम के टेम्परेचर की जो हवा जाती है उसको सेंस करता है। उसके अलावा देखिए इसके अंदर एक स्क्रू और बंद है यहां पर, तो इस स्क्रू को भी ओपन कर लेते हैं और अब पीसीबी पूरी तरह से इसमें खुल जाएगी। इसके अंदर कौन कौन से मोटर लगे होते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसी के बारे में समझाएंगे। और जो भी एसी होगी विंडो एसी सभी के पीसीबी एक ही जैसी होती है, बनावट थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है। देखिए एक स्क्रू इसमें और भी है अभी, तो बनावट थोड़ी बहुत इधर उधर केवल हो सकती है लेकिन जो पिने हैं जिस पिनों में हमें कनेक्शन करना है वो सारी पिने सेम होती, चाहे कैसी भी एसी हो, चाहे किसी भी कंपनी की एसी हो, सभी की पिने सेम होती है। तो इस प्रकार से देखिए हमने पीसीबी को ओपन किया। ये जो पीसीबी ओपन करने के बाद देखिए खुला क्या है, इसमें से बहुत छोटा सा पार्ट, थोड़ा नजदीक से भी दिखा सकते हैं, ये छोटा सा पार्ट है, डिस्प्ले का पॉइंट है। यहां से देखिए ये सिर्फ ओपन हुआ और ये दोनों तार। अब ये जो पीसीबी का पॉइंट है ना, ये सारा सब कुछ खजाना इसका समझिए और इसी को हमें निकालना है बाहर। तो इसको हम बाहर निकालते हैं, देखिए इस प्रकार से ये पीसीबी का डिस्प्ले वाला पॉइंट है। अगर हम डिस्प्ले वाला पॉइंट बाहर निकालना चाहें तो देखिए यहां से बाहर भी निकाल सकते हैं। एक बार हम इसको पहले बाहर निकालते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेन लीड से। ये देखिए मेन लीड, और मेन लीड में देखिए तीन तार दिख रहे हैं, एक ग्रीन कलर, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर। ये मेन लीड है जहां से हम सप्लाई देंगे। तो जो ग्रीन कलर होता है वो बॉडी अर्थ का होता है और जो ब्लैक कलर होता है वो न्यूट्रल के लिए होता है, जो रेड कलर होता है वो फेस के लिए होता है। तो ग्रीन कलर जब यहां से आया हुआ है, ये देखिए मेन लीड का पॉइंट यहां पर दिखाइए ध्यान से, तो ये ग्रीन कलर का वायर देखिए इधर जाकर के यहां बॉडी में टच किया गया, यानी बॉडी में यहां पर जोड़ा गया। इससे क्या होगा कि अब ये बॉडी अर्थ मिल रहा है। अर्थ का मतलब ये होता है कि अगर किसी कारण से पूरे एसी के बॉडी में करंट आता है तो किसी को करंट मारने से पहले वो जो सप्लाई है वो अर्थ में चली जाए, जमीन में चली जाए। तो ये बॉडी अर्थ का इसके बॉडी में जोड़ दिया गया। अगर इसके हम सभी तारों को एक बार निकाल देते हैं आपको और निकाल करके पूरी तरह से हम फिर से लगा करके आपको दिखाते हैं कि इसके अंदर कितने तार हैं और कहां-कहां से आए हैं। पूरे तारों को हम इसमें से निकाल देते हैं जो भी इसके अंदर है। देखिए पीसीबी को हम बिल्कुल बाहर कर देते हैं। अब देखिए पूरी तरह से हमने बाहर कर दिया। अब ये केवल ग्रीन वाला देखिए इसमें जुड़ा हुआ है, इसको रहने देते हैं। पूरी पीसीबी को हमने हटा दिया है, अलग कर दिया। इसके अंदर तार कितने निकले हुए देख सकते हैं, ये इतने सारे तार निकले हुए हैं। और ये तार आए कहां से, किसके किसके तार हैं, तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर टोटल तीन मोटर लगे होते हैं जिसमें एक होता है हमारा कंप्रेसर मोटर, एक होता है हमारा फैन मोटर और इसमें एक मोटर और है जो कि यहां पे स्क्रू लगे हुए थे, हमने पहले से हटा दिया टाइम बचाने के लिए। अगर इसे हम हटाते हैं, इसके कैबिनेट को हटा के साइड में रख देते हैं, तो इसके अंदर एक और मोटर है। ये जो मोटर इसको बोलते हैं स्विंग मोटर। स्विंग मोटर का कार्य होता है ग्रिल को दाहिने बाएं या ऊपर नीचे करना होता है, घुमाना होता है। इसका आरपीएम मात्र 4 से 6 होता है, मतलब एक मिनट में केवल 4 से 6 चक्कर, ये 4 से 6 राउंड घूमता है। यहां पर देख सकते हैं इसके अंदर के क्या क्या डिटेल, कुछ बेसिक चीजें इस पर लिखी हुई है कि 5 से 6 आरपीएम लिखा हुआ है, यानी इसका जो आरपीएम होता है 5 से 6 होता है और ये 220 वोल्ट की एसी सप्लाई पे काम करता है। मतलब इतना छोटा सा मोटर होता है फिर भी डायरेक्ट लाइट के सप्लाई से कार्य करता है, डायरेक्ट लाइट से चलता है, वो भी मात्र 5 से 6 आरपीएम स्पीड में। यानी आरपीएम का मतलब होता है राउंड प्रति मिनट, यानी एक मिनट में मात्र 5 से 6 राउंड ये घूमता है। उसके अलावा देखिए ये तीन मोटर हो गए, इन्हीं तीनों मोटरों को हमें चलाना होता है समय समय से। और बाकी के वायर कितने आते हैं, तो यहां पर देखिए जो हमारा फैन मोटर है वहां से देखेंगे तो दो सप्लाई आई हुई है, भूरे कलर का देख रहे हैं ना, व्हाइट के जैसा कुछ है। तो ये जो दो तार आए हुए हैं इसमें है क्या, एक के अंदर इसमें हाई मीडियम लो के वायर होंगे और एक के अंदर दो वायर होंगे जो कि हमारा कैपेसिटर के लिए होंगे, यानी पंखा चलाने के लिए हमें कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी ना, जो कि 4 से 6 एमएफडी का होगा। तो दो तार उसके हैं और उसके अलावा ये कंप्रेसर मोटर हो गया हमारा, तो कंप्रेसर का एक मेन लीड है। देखिए इसका जो तार होगा वो पहले ही पता चलेगा कि बहुत हैवी तार होगा, यानी कंप्रेसर मोटर चलाना है ना, ज्यादा लोड की चीज चलाना है ना, तो इसलिए ज्यादा हैवी वायर होगा जिसकी वजह से ये हम सामने से बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे। और तीसरा ये स्विंग मोटर जो हमारा है, यहां से देखिए यहां से वो अंदर गया, तो टोटल फैन मोटर से 2 लीड निकली है, कंप्रेसर मोटर से 1 और स्विंग मोटर से 1, यानी 1 2 और 2 4, टोटल 4 लीड निकली होगी। तो आगे से दिखाते हैं सामने
सामने से, इसके अंदर का जो लीड है वो कितने निकली है। देखिए देखिए इसके अंदर से जो लीड आई हुई है वहां पर, यहां पे देख सकते हैं जो चारों लीड है वो टोटल यहां से आई हुई है बाहर। यहां से देखिए ढेर सारे तार दिख रहे हैं ना। अब लीडों को पहचाने कैसे कि कौन सा किसका है, तो सबसे पहले देखिए ये ब्लू कलर में दो वायर आपको दिख रहे हैं, ये ब्लू कलर वाला, ये जो ऊपर से स्विंग मोटर आया हुआ था ना ये उसी का है। ये दोनों ब्लू कलर का जो वायर है ये स्विंग मोटर का, और स्विंग मोटर कैसे काम करेगा, अगर इसको एक में न्यूट्रल और एक में फेस दे दिया जाए तो ये स्विंग मोटर हमारा चालू हो जाएगा। तो ये दोनों तार हो जाते हैं हमारे स्विंग मोटर के। कैसे पता चलेगा, आप चाहे तो इसके तार के साथ साथ जा सकते हैं अंदर, वहां से भी पता चल जाएगा कि ये दोनों स्विंग मोटर के ही है। इसके अलावा है दूठे ब्राउन कलर का, हमने पहले ही बताया देखिए इस प्रकार का एक कलर का आया था। ये दोनों जो तार है ये फैन मोटर से आए हुए हैं, यानी पंखा से आए हुए हैं। अब इसमें देखिए एक के अंदर देखिए टोटल चार तार दिखाई दे रहे हैं, एक के अंदर सिर्फ दो तार हैं, और जिसमें दो तार हैं ये दोनों तार हमारा होगा कैपेसिटर का, यानी कि जो पंखा चलाने के लिए, जो फैन चलाने के लिए इस पीसीबी के अंदर ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसमें जाएगा। सबसे पहले देखिए ये जो पीसीबी के डिस्प्ले वाला पॉइंट है ना, ये इस पे लोड बना हुआ है, तो हम इसको निकाल देते हैं। देखिए बाद में इसको हम लगा सकते हैं, ये कभी भी गलत नहीं लगेगा, जब भी ये जाएगा सीधा लगेगा। तो इसको हम थोड़ा सा निकाल देते हैं, ये डिस्प्ले वाला पॉइंट निकाल करके हम साइड में रख देते हैं। अब इसके अलावा देखिए इसमें ये वाला जो दोनों हमारा कैपेसिटर का है, ये कंप्रेसर मोटर नहीं, ये हमारा फैन मोटर का है, यानी फैन मोटर के लिए जो कैपेसिटर लगेगा। देखिए ये जो छोटा वाला कैपेसिटर है उसके लिए, यानी ये जो दोनों तार है इसको हम अगर कैपेसिटर में जोड़ दें तो ये कैपेसिटर यानी पंखा वाला काम हमारा हो जाएगा, यानी पंखा को कैपेसिटर का पॉइंट मिल गया। देखिए तारों को ध्यान से देखिएगा, बस एक एक तार को देखते जाइए और बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। अब इसके बाद ये देखिए हमारी दोनों मेन लीड है, ये हमारा मेन तार है, यहां पर देख सकते हैं ये हमारी मेन लीड का है, ये मेन लीड है ना, तो ये मेन लीड के ये दो तार है जिसमें एक ब्लैक कलर है एक रेड कलर है, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर। तो ब्लैक कलर न्यूट्रल का है, तो ये जो पीसीबी है ना, पीसीबी के अंदर न्यूट्रल का एक पॉइंट है, एक जंक्शन है देखिए यहां पर, और यहां पे देखिए लिखा है न्यूट्रल, दिखा पाएंगे यहां पर देखिए लिखा है न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल के ये जो चारों पॉइंट है चारों एक ही है, तो किसी एक में अगर हम न्यूट्रल दे देते हैं यहां पर, तो इसका यह मतलब हुआ कि बाकी तीन से हम न्यूट्रल ले सकते हैं, मतलब ये चारों के चारों पॉइंट एक ही होते हैं, एक में हमने दिया तो इनमें से किसी से भी हम न्यूट्रल ले सकते हैं। उसके बाद ये फेस वाला पॉइंट है, तो फेस वाला पॉइंट ये देखिए, ये सबसे बड़ा रिले जो है ना यही हमारा फेस का पॉइंट होता है। इसके नीचे यहां पर देखिए लिखा भी है फेस, यहां पर देखिए लिखा है फेस, और उसी के ऊपर वाली ये जो पिन है रिले में इसी पे हमें देना है, यानी इस पीसीबी को न्यूट्रल और फेस दोनों मिल गया, यानी इस पीसीबी में न्यूट्रल और फेस दोनों दे दिया गया, और फैन मोटर का जो कैपेसिटर का पॉइंट था उसको भी हमने जोड़ दिया। अब देखिए पंखा के अंदर फैन मोटर के अंदर टोटल अभी चार तार दिखाई दे रहे हैं, इन चारों तारों में एक तार हमारा न्यूट्रल का है और बाकी के तीन जो है हाई मीडियम लो का है। एक तार में न्यूट्रल की सप्लाई देनी है, बाकी के तीन हाई मीडियम और लो के हैं। तो देखिए हाई मीडियम लो में अगर सोचें ये कि जो पंखा चलेगा का न्यूट्रल से चलेगा और हाई मीडियम लो में क्या सप्लाई आती है, तो हाई मीडियम लो में जो सप्लाई आती है वो फेस की आती है और ये न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का वायर हम इस पीसीबी के देखिए इस वाले पॉइंट में जोड़ देते हैं, यहां पर ये न्यूट्रल आसानी से मिल गया, ये चारों एक ही हमने पहले बता दिया, ब्लैक कलर इसमें फिर जोड़ दिया हमने, न्यूट्रल मिल गया। अब इसके अलावा ये जो तीन बचते हैं ये तीनों हमारे हाई मीडियम लो के जाएंगे। देखिए यहां पर लिखा है, यहां पर देख सकते हैं सबसे पहले एक पे लिखा है लो, उसके बाद लिखा है मीडियम और उसके बाद लिखा है हाई, यानी लो मीडियम और हाई, ये तीनों पॉइंट तो हाई मीडियम लो के हो गए। एक पॉइंट और है इस पे लिखा है स्विंग, यानी ये स्विंग मोटर के लिए है। तो यहां पे देखिए ये जो फैन का हाई मीडियम लो है, इसको हम एक को लो में लगा देते हैं, एक को मीडियम में लगा देते हैं और एक को हाई में लगा देते हैं। तो तीनों को हमने हाई मीडियम लो में लगा दिया, हमने चेक नहीं किया कि कौन सा हाई है कौन सा मीडियम है कौन सा लो है, लेकिन लगा दिया। देखिए अगर क्या होगा, अगर यहां पे गलत लगा होगा तो जब हम हाई का बटन दबाएंगे तो वहां लो चल सकता है, जब हम लो का दबाएं तो वहां मीडियम चल सकता है, यही होगा, लेकिन कोई चलने में दिक्कत नहीं होगी, कोई शॉर्ट सर्किट की बात नहीं है। आप चाहे तो जो मोटर के ऊपर स्टिकर लगा वहां से चेक कर सकते हैं, या फिर चाहे तो चला चला कर भी चेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा फैन मोटर का कनेक्शन। अब इसके बाद ये जो दोनों ब्लू कलर वाले वायर है, ये दोनों तार हमारे हैं स्विंग मोटर के, और स्विंग मोटर को हमने पहले बताया कि इसमें एक में न्यूट्रल और एक में फेस अगर दे दिया जाएगा तो स्विंग मोटर चालू हो जाएगा। तो यहां पर देखिए एक में हम लगा देते हैं न्यूट्रल की सप्लाई, ये जंक्शन का पॉइंट हमने बता दिया था, यहां पे न्यूट्रल हमने लगा दिया, ये स्विंग का पॉइंट खाली बचा हुआ है, तो इसको हम लगा देते हैं स्विंग में, यानी स्विंग मोटर का भी कनेक्शन खत्म, यानी दो मोटर का कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, एक तो स्विंग मोटर और एक फैन मोटर, दो कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर करते हैं कंप्रेसर मोटर का कनेक्शन। तो देखिए जो मेन लीड निकली होगी, सबसे मोटे मोटे तार होंगे, वो होता है हमारा कंप्रेसर मोटर का। देखिए ये कंप्रेसर मोटर का तार है, यहां पर देख सकते हैं ये कंप्रेसर मोटर का तार है, मोटा मोटा तार है, और देखिए एक रेड कलर का तार है
जो दो तार जुड़े हुए हैं और एक ही थिंबल के अंदर जुड़े हुए हैं। देखिए इसका एक स्पेशल काम है, इसका कारण क्या बताते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए इसके अंदर भी तीन तार हैं और सबसे पहले न्यूट्रल के लिए एक ब्लैक कलर का तार होगा, इसमें न्यूट्रल की सप्लाई दिया जाएगा। तो ये एक न्यूट्रल का और पॉइंट बचा हुआ है, इसमें भी जोड़ देते हैं, यानी कंप्रेसर मोटर को भी न्यूट्रल मिल गया, यानी कंप्रेसर को न्यूट्रल क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है देखिए, और दो तार इसमें बचे ना, तो कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए एक नियम होता है कि न्यूट्रल के वायर को तो कॉमन में दे देना है, ये फेस के वायर को, ये जो फेस है इसमें फेस चाहिए। तो देखिए जो हमारी मेन लीड का फेस पॉइंट है यहां दिया गया है ना, तो ये जो फेस का पॉइंट है इसको देना कहां है, हम इस रिले वाले पॉइंट में दे सकते हैं या कैपेसिटर के चार नंबर में दे सकते हैं। देखिए रिले में हम जोड़ रहे हैं, ये रिले में जोड़ने से क्या हुआ है अभी समझिए, और इसको हम चार नंबर में जोड़ देते हैं। अब ये चार नंबर में नहीं भी जोड़े तो क्या होगा, ये जो फेस का पॉइंट बता रहे हैं रेड वाला, ये फेस हमने यहां रिले में जोड़ा है, अगर इस फेस को इसमें टच कराएं, यानी इस रेड को इस रेड में टच कराएं, तो फेस डायरेक्ट कंप्रेसर के पास पहुंचेगा। हम वही चाहते हैं कि फेस डायरेक्ट कंप्रेसर के रनिंग में पहुंचे, तो इसको अगर हम लगा देंगे तो ये डायरेक्ट पहुंच गया कहां, कंप्रेसर के रनिंग में, और यही वाला पॉइंट यानी वही फेस हमें इस बड़े वाले कैपेसिटर जो कंप्रेसर मोटर को चलाने के लिए कैपेसिटर है, इसमें देखेंगे एक साइड में चार पिन और एक साइड में दो पिन होती है, एक साइड में चार पिन और एक साइड में दो पिन होती है। जो चार पिन होता है उसमें हमें ये फेस को दे देना होता है, जो चार पिन है उसमें हमें फेस को दे देना होता है, और जो दो पिन है उसमें एक तार और इसका बाकी है, ये जो पीला वाला यानी कि स्टार्टिंग वाला, इसको भी हमें जोड़ देना है। बस वायरिंग हो गई हमारी कंप्लीट। समझाते एक बार फिर से, देखिए कैसे किया गया है कि सबसे पहले न्यूट्रल का वायर देखिए हमारा स्विंग मोटर में भी जाएगा, फैन मोटर में भी जाएगा और कंप्रेसर मोटर में भी जाएगा। यहां से देखिए ये तार निकल रहे हैं, ये थिंबल थोड़ा सा डिले, तो हमारा तीनों मोटरों में न्यूट्रल डायरेक्ट जाएगा। उसके बाद फेस का वायर हमारा देखिए कहां गया है, हमारा स्विंग मोटर को चलाने के लिए स्विंग में हाई मीडियम लो को हाई मीडियम लो में जोड़ दिया गया है। और देखिए ये जो डिस्प्ले का पॉइंट है हमने निकाला था जहां से, वहां पे लगा देते हैं। देखिए ये कभी भी लगाएंगे तो ये गलत नहीं लगेगा, जब भी लगेगा ये सीधा लगेगा। आप इस पिन को देख सकते हैं, यहां पे थोड़ा सा ऐसे उठा हुआ है ना, और यहां पे ये कटा हुआ जगह भी बनी है, इसका ये मतलब हुआ कि इसी वाले पॉइंट में ये जाएगा, तभी जाकर के बढ़िया से बैठ जाएगा। देखिए इस प्रकार से बढ़िया से बैठ जाएगा और ये वायरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी, बिल्कुल कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इस प्रकार से हमारा एसी काम करती है। हम इसको चलिए चालू करके एक बार आपको दिखाते हैं, यहां पर देखिए लाइव बिल्कुल। और ये हम ले लेते हैं अपना एक बोर्ड ले लेते हैं, और ये हमारी विंडो एसी का डिस्प्ले है। देखिए डिस्प्ले अभी उल्टा है, चलिए उल्टा रहने देते हैं। और ये हो गई हमारी मेन लीड, इस मेन लीड को हम इस बोर्ड में लगाते हैं। यहां पर देखते हैं इस बोर्ड में हमने इसको मेन लीड को लगाया। स्विच अभी हमारी बंद है, स्विच को हमने बंद कर रखा है, और स्विच को ऑन करते हैं। देखिए स्विच को हमने ऑन कर दिया, यहां पर देखिए डिस्प्ले के अंदर लाइट आ रही है, और डिस्प्ले के अंदर लाइट के साथ देखिए फैन भी चालू हो गया। हम आपको दिखा देते हैं, देखिए यहां से ये फैन भी चालू हो गया। तो इस प्रकार से हमारी विंडो एसी की वायरिंग होती है, और इसी प्रकार से हमारी विंडो एसी का कनेक्शन काम करता है। देखिए ये जो वायरिंग हमने समझाया ना, इसका हम बहुत ही जल्दी आपको दिखाएंगे, डायग्राम के हिसाब से इसको समझाएंगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हाँ, बाकी जो भी वायरिंग है अगर आप डायग्राम चाहते हैं तो एक बार देखिए ये जो डायग्राम शो करवा रहे हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसी को समझिए, और जो भी वायरिंग हम आपको समझाए अभी वो टोटल इसी डायग्राम के ऊपर आधारित है, इसी डायग्राम के हिसाब से की गई है। और एसी के कुछ कैपेसिटी वगैरह के बारे में देखना तो यहां पर देख सकते हैं कितना एम्पियर वगैरह लेगी, वो टोटल डिटेल आपको यहां से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारी विंडो एसी कार्य करती है। इस विंडो एसी से रिलेटेड अभी भी आपका कोई सवाल या सुझाव बच रहा हो तो कमेंट करिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।